हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेश कोरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज़। आज हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 3 के पहले लेक्चर की तरफ जाएंगे। दोस्तों, जीटीयू के अंदर हमारा यूनिट 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 to 10 मार्क्स की थियरी इसके अंदर आ सकती है। नंबर ऑफ थियरीज आप लोगों को पढ़नी है। हमारे चैप्टर का नाम है कोल एंड असेंडलिंग सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि बॉयलर के अंदर फ्यूल को बर्न करने के लिए जो कोल को प्रिपेयर किया जाता है, वो कोल किस तरह से प्रिपेयर होता है, उसका हैंडलिंग सिस्टम क्या है, बॉयलर के अंदर जो भी ऐश जनरेट हो रही है उस ऐश को किस तरह से डिस्पोज किया जाता है, उसके सिस्टम्स क्या है, उसकी मेथड क्या है, कोल को हमारे बॉयलर के अंदर किस तरह से बर्न किया जाता है, जिसको हम लोग बर्नर्स बोलते हैं, तो कैसे वेरियस टाइप्स के बर्नर्स के यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे कि थर्मल पावर प्लांट का पहला स्टार्ट, मतलब कि हमारा फ्यूल किस तरह से तैयार किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है, हमारी फर्स्ट थियरी भी यही है कि द लेआउट ऑफ योर प्लांट हैंडलिंग ऑफ कोल, मतलब कि कोल को किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को फिगर के बेस पर समझाता हूँ, कुछ जल्दी समझ में आएगा। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली थर्मल पावर प्लांट के पास में से नॉर्मली, जैसे कि हमारे गुजरात के अंदर बात की जाए तो टोरेंट का पावर स्टेशन है, गांधीनगर में सेक्टर 26 या 28 के पास में जो पावर थर्मल पावर प्लांट है। अब देखिएगा प्रैक्टिकली क्या होता है कि थर्मल पावर प्लांट के पास में से एक रेलवे की लाइन दी जाती है। वो रेलवे की लाइन देने का मतलब क्या होता है? रेलवे की लाइन इसीलिए दी जाती है क्योंकि हम लोग रेलवे की लाइन के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में हमारे फ्यूल को हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। देखिए, बॉयलर के अंदर हम लोग जनरली यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पर, हम लोग चारकोल, मतलब के पाउडर फॉर्म में, एकदम फाइन सुपर साइज वाले फॉर्म में हम लोग हमारे कोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोल इज़ द मेन फ्यूल फॉर अस इन टू द थर्मल पावर प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम एट हाई प्रेशर फॉर द बर्निंग पर्पज़ इन टू द बॉयलर। तो ये जो कोल होता है, वो कोल जनरली ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करवा करके हमारे बॉयलर तक या तो हमारे रिक्वायर्ड एरिया तक पहुंचाया जाता है। तो स्टार्टिंग हमारी यही होती है, एज यू कैन सी दैट द कोल डिलीवरी रोड, रेल, शिप, तीन तरीके से हो सकता है, बाय रोड, बाय रेल एंड बाय शिप। अगर बाय रोड है तो उसका क्या होगा? बाय रोड की स्टोरेज हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहली स्टोरेज हमारी होगी आउटडोर स्टोरेज में और दूसरी स्टोरेज होगी हमारी कवर स्टोरेज में। आउटडोर स्टोरेज का मतलब ये हो गया कि आप लोग ओपन स्पेस में आपके फ्यूल को जमा कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को सनलाइट कम्प्लीटली मिल रही है या फिर मॉइस्चर कंटेंट आपकी बहुत ही कम है आपके एटमोसफियर में। देखिए, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके फ्यूल के अंदर मॉइस्चर जा रहा है, सीधी सी बात है, प्रैक्टिकली थोड़ा सोचिएगा, अगर आप लोगों के एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा है और ऐसे हाई लेवल वाले मॉइस्चर वाले एरिया के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके रिस्पेक्ट में या उसके कांटेक्ट में जब हम हमारे फ्यूल को स्टोर करते हैं, तो 110% चांस है कि हमारा फ्यूल मॉइस्चराइज हो जाएगा। और ऐसे फ्यूल को बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गीली लकड़ी को जलाना और सूखी लकड़ी को जलाना, ड्राई वुड एंड द वेट वुड। ठीक है, आपको पता होगा कि जो सूखी लकड़ी होती है वो काफ़ी जल्दी हीट पकड़ लेती है, काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, लेकिन गीली लकड़ी को जलाना बहुत ही मुश्किल होता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे फ्यूल का स्टोरेज भी काफ़ी ध्यान से किया जाता है। अगर आप लोगों के एटमोसफेयर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको उसको कवर करके रखना होगा, जो कि आप देख सकते हैं कवर स्टोरेज में, इट विल बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द बेन्स, बंकर्स एंड द सॉरी स्लैब्स, और किसी भी तरीके से हम लोग हमारे फ्यूल को अलग अलग तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपका फ्यूल बाय शिप ट्रांसफ़र किया है, तो सबसे पहले तो वो होगा अनलोडिंग। ठीक है, अनलोडिंग का मतलब आपको पता है, अनलोडिंग का मतलब होता है कि जिस पे से आप लोग उसको लेकर के आए, जिस व्हीकल के थ्रू या जिस भी ट्रांसपोर्टेशन मेथड से, तो उसको वहाँ से हटा करके दूसरी जगह पर ले जाना। ठीक है, तो अनलोडिंग किस तरह से होता है? अनलोडिंग होगा बाय लिफ्ट, बाय ट्रक, बाय क्रेन और बाय बकेट्स। अनलोडिंग होने के बाद में दो चीज़ें हो सकती है, या तो कोल प्रिपेयर हो सकता है या तो फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो दो जगह पर ट्रांसफ़र होगा, एज यू कैन सी ट्रांसफ़र, या तो वो आउटडोर स्टोरेज में ट्रांसफ़र होगा या तो वो कवर स्टोरेज में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन ट्रांसफ़र करने से पहले का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है प्रिपरेशन, जिसको बोलते हैं कोल प्रिपरेशन, जो हमारे लिए आएगा नेक्स्ट आगे का टॉपिक,
कोल प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है, तो प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है। अनलोडिंग के बाद में सबसे पहले हमारा जो स्टेप आता है वो होता है कोल के प्रिपरेशन के लिए। कोल को अच्छी तरह से देखिए, नेचुरली जो कोल मिल रहा है ना, उस कोल के अंदर काफ़ी इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, या दूसरी बात अगर देखा जाए तो कोल जो होता है वो बड़े बड़े पत्थर के टाइप में मिलता है, ठीक है। अब ऐसे बड़े बड़े पत्थर को हम लोग डायरेक्टली एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते। बॉयलर के अंदर, मैंने पहले ही बोला, बॉयलर के अंदर जो फ्यूल का यूज़ हो रहा है वो फ्यूल होता है हमारा फाइन फाइन पार्टिकल्स, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स, मतलब माइक्रोन से भी छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स का यूज़ होता है एज अ फ्यूल कोल का फर्नेस के अंदर, बॉयलर के अंदर, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होता है कि जो भी नेचुरली कोल हम लोगों को मिल रहा है, उस कोल को हम लोगों को फाइन ग्रेन पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कोल प्रिपरेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। फिर उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है या तो आउटडोर स्टोरेज में या तो फिर कवर्ड स्टोरेज में, ठीक है। जो रोड बाय आप लोगों ने देख लिया वो रोड यही है कि फ्यूल को जब हम लोगों ने फाइन ग्रेन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद में आप सीधा स्टोरेज में ले जा सकते हो। स्टोरेज के बाद में हमारा जो कोल होगा वो जाएगा इन प्लांट हैंडलिंग सिस्टम में। अभी ट्रांसफ़र के अंदर आप लोग कौन से मेथड्स का यूज़ कर सकते हो, तो ट्रांसफ़र के अंदर जो मेथड्स का यूज़ होता है वो है बेल्ट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, ठीक है, स्किप होइस्ट, हाइट कन्वेयर वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोग ये तीन चार मेथड्स का यूज़ कर सकते हो, हम लोगों को पढ़ना ही है। और प्रिपरेशन के अंदर जो हम लोग इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं तो होता है क्रशर है, साइजर है, ड्रायर्स है। मैंने पहले ही बोला ड्रायर्स क्यों, क्या होता है ड्रायर का मतलब, ये होता है कि अगर हमारे फ्यूल के अंदर मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को दूर करने का काम करेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्रायर। साइजर का मतलब ये होगा कि उसको सेम पार्टिकल्स, हमारे कोल के सारे जो भी मिलियंस और बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो सारे के सारे सेम साइज के होंगे, एक भी पार्टिकल का एक भी साइज आगे पीछे नहीं होगा, मतलब कि कम बढ़ नहीं होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, वो सेम साइज़ का होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं साइजर की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा होता है क्रशर। क्रशर से ये होगा कि आप लोगों के फ्यूल को फाइन ग्रेन पार्टिकल्स में वो क्रश करके देगा। क्रश यानी गुजराती में जिसको बोलते हैं भुक्को बना भी दे वो, ठीक है, बिल्कुल उस तरह से छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में वो क्रश करके देगा। तो ये तीन चार इक्विपमेंट्स का बेसिकली यूज़ होता है जिससे हम हमारे कोल को प्रिपेयर करते हैं। और इसके बाद हम लोग ले जाते हैं हमारे इम्प्लांट में, मतलब कि हमारे थर्मल पावर प्लांट के अंदर, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के अंदर जहाँ हम लोगों का बॉयलर होगा, वहाँ उसके पास वाली कोई जगह पर हम हमारा फ्यूल को ले जाएंगे, मतलब कि फर्नेस के पास में। वहाँ ले जाने से पहले इसका वेट मेज़र किया जाता है, भाई जो भी हमारी क्वांटिटी है उसके रिक्वायरमेंट में है कि नहीं, और फिर वहाँ से हम वेगिंग करने के बाद ले जाएंगे फर्नेस फायरिंग में। तो ये सारे वेरियस स्टेजेस थे जो कि प्रैक्टिकली कोल को हैंडल करने के लिए किए जाते हैं, प्रैक्टिकली इसका यूज़ होता है। इसके बाद में हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लासीफाई द वेरियस मैथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कोल। हो आप लोगों को पहले क्वेश्चन में समझ में आया होगा कोल हैंडलिंग प्लांट में, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरा सवाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, पहला वाला सवाल वैसे जीटीयू में आज तक आया नहीं है, लेकिन हाँ टेक्निकल नॉलेज के लिए आप कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे कोल को ट्रांसफ़र करने की वेरियस मेथड्स क्या है, और उसमें हम लोगों को बकेट एलिवेटर समझाना है। देखिए बेसिकली छह मेथड होती है, बेल्ट कन्वेयर, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर दिखाया, बेल्ट कन्वेयर, फ्लाइट कन्वेयर, ग्रैब बकेट, एलिवेटर, स्क्रू कन्वेयर, बकेट एलिवेटर, स्किप हॉइस्ट। ये सारी मेथड्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बकेट एलिवेटर। बकेट एलिवेटर भी वैसे जीटीयू में एक ही बार आया है, बट फिर भी हम लोगों को कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकली थोड़ा समझ के चलना, इसीलिए मैंने इसको रखा है, ठीक है। तो बकेट एलिवेटर के बारे में हम लोग समझते हैं। बकेट एलिवेटर के दो टाइप होते हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। सबसे पहला टाइप होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप, और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है कंटिन्यूस टाइप, ठीक है। इस तरह से दो टाइप होते हैं बकेट एलिवेटर के। सबसे पहले मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल का मतलब समझा दूँ। इस तरह की अरेंजमेंट आप लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज में देखी होगी, कभी डिस्कवरी चैनल्स आप देखते हो तो डिस्कवरी चैनल्स के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा। और दूसरा मैं आपको बताऊँ तो जिस तरह से हम लोग पुली का यूज़ करते थे ना कुएं में से पानी निकालने के लिए, ये बिल्कुल उस तरह से काम देगा, ठीक है। कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब समझते हैं। देखिए सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, टू अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसी चीज़ जो सेंटर से दूर ले जाए।
अब फिगर में देख सकते हो, यहाँ से हम हमारे कोल को एंटर करवाएंगे और यहाँ से हमारा कोल हमको बाहर मिल रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम लोग लोअर एलिवेशन से हमारे फ्यूल को एंटर करवा रहे हैं और हायर एलिवेशन पर हम हमारे फ्यूल को ड्रॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉयलर ग्राउंड लेवल पर नहीं होता है। प्रैक्टिकली बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट के अंदर बॉयलर की जो हाइट होती है वो ज़मीन से एटलीस्ट 40 फीट 50 फीट हाई होता है। अभी इतने हायर लेवल पर जब आपके फ्यूल को ले जाना है तो आपको इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट के यूज़ अलग अलग अरेंजमेंट को रखना पड़ता है, आपको इसका यूज़ करना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब आपका फ्यूल मतलब कि आपका कोल आपके एलिवेटर के अंदर आएगा, तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे बकेट्स हैं। बकेट्स मतलब आपको देखा जाए तो एक कटोरी टाइप होता है। आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में कपलन टर्बाइन पढ़ा था, ठीक है? कपलन टर्बाइन की बकेट जिस तरह से होती है ना, द सेम साइज द सेम डिज़ाइन इज यूज ओवर हियर। ऐसी सेम चीज़ है ना आपकी यहाँ पर होती है। ये सारे के सारे बकेट्स बिल्कुल उसी डिज़ाइन पर होते हैं, बस फर्क इतना है कि वहाँ पर हम लोग मेटल का यूज़ कर रहे थे उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यहाँ पर हम लोग रबर का यूज़ करेंगे या तो फिर फाइबर मटेरियल का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके हेल्प से हम लोग बकेट बनाते हैं। और ये जो बकेट होती है वो कंटिन्यूसली, बकेट जो आप लोगों ने बनाई है वो कंटिन्यूस, ये होती है आप लोगों की पुली। ये जो ऊपर नीचे आप देख रहे हो ये होती है पुली, और ये जो डायरेक्शन दी है ये डायरेक्शन से ये दिखा रहा है कि आपका बेल्ट कंटिन्यूसली इस तरह से घूमेगा। जिस तरह से आपके एक्टिवा मतलब के नॉन गियर व्हीकल्स के अंदर बेल्ट ड्राइव होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से ये बेल्ट ड्राइव है। ये बेल्ट के ऊपर आप लोगों की ये सारे के सारे बकेट्स को लगाया जाता है। जो भी फ्यूल आपका इनलेट से एंटर होगा वो फ्यूल आपके बकेट के ये वाले पोर्शन के नीचे जमा हो जाएगा, ओवर हियर यहाँ पर आपका फ्यूल जमा हो जाएगा। अब क्या है कि बेल्ट आपका कंटिन्यूसली घूम रहा है, बेल्ट जैसे ही कंटिन्यूसली घूमेगा मतलब कि ये बकेट नीचे जो आपका फ्यूल जमा हो रहा है उसके अंदर डंप हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर डूब जाएगा, ठीक है? एक फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बेल्ट घूम रहा है वो थोड़े फोर्स से घूमेगा, हाई आरपीएम पर घूमेगा, और ये फ्यूल का वेट कोई इतना ज़्यादा नहीं होता है कि इसके जब आपका बकेट आपके फ्यूल स्टोरेज के अंदर डंप हो तो उसके अंदर जमा ना हो जाए, वो इजीली आपके बकेट के अंदर जमा हो जाएगा। क्योंकि आपका बेल्ट कंटिन्यूसली घूम रहा है तो जैसे जैसे आपकी बकेट आपके फ्यूल के अंदर डंप होती जाएगी, सारी बकेट आपके फ्यूल के साथ में फिलअप होते जाएगी। एंड यू कैन सी फ्रॉम द फिगर कि जैसे ही आपका बकेट टॉप लेवल को क्रॉस करेगा, ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड आप देखो आपका बकेट स्ट्रेट है, राइट हैंड साइड देखो आपका बकेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है? अब जैसे ही आपका बकेट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ा मतलब कि उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, तो जो भी आपका फ्यूल होगा वो फोर्सफुली आपके एलिवेटर में से बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सेंटर से दूर जाने वाली प्रोसेस हो गई। दूसरी बात कि आपकी जो बकेट की डिज़ाइन थी वो कटोरी टाइप थी, ठीक है? बकेट का मतलब ये होता है बास्केट टाइप, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप एलिवेटर। और ये आपका कंटिन्यूस एलिवेटर, इसके डिज़ाइन को आप देखो, ये आप पर हमारे पास में स्ट्रेट नहीं है, मतलब ऊपर वाले सेंट्रीफ्यूगल में इस तरह से था कि भाई सेंट्रीफ्यूगल के अंदर हम लोगों को बकेट मिल रहा था, स्टोरेज के लिए स्पेस मिल रही थी, यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रेट फ्लैट फ्लैट सर्फेसिस मिलेगी बेल्ट के ऊपर, ठीक है? और ये जो फ्लैट सर्फेसिस होगी ना, ये फ्लैट सर्फेसिस की वजह से हमारा फ्यूल बाहर जाएगा। इसको कंटिन्यूस टाइप, दोनों के दोनों कंटिन्यूस है, बस फर्क इतना है कि ये सेंट्रीफ्यूगल है जिसमें बकेट का यूज हो रहा है, और यहाँ पर हम लोगों को फ्लैट सरफेस का यूज करना है बेल्ट के ऊपर हमारी बकेट्स को। यहाँ पर जो बकेट थी सेंट्रीफ्यूगल के अंदर उसके अंदर स्पेस था, यहाँ पर जो बकेट होगी वहाँ पर स्पेस थोड़ा कम होगा, ठीक है? तो ये जो बकेट एलिवेटर है, ये बकेट एलिवेटर प्रैक्टिकली यूज किया जाता है लोअर लेवल से हायर लेवल मतलब कि आपके ग्राउंड लेवल से बॉयलर की फर्नेस तक फ्यूल को पहुंचाने के लिए। इसका एडवांटेजेस क्या है? बेसिकली इट रिक्वायर्स लेस फ्लोर एरिया, मतलब कम स्पेस में कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आप लोग इसको इजीली अरेंज कर सकते हो। इट रिक्वायर्स लेस पावर फॉर ऑपरेटिंग, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती नहीं। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा होगा बेल्ट रैक चैनरे किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पर भी सेम मैनर होता है। तीसरा होता है कोल कैन बी डिस्चार्ज एट एलिवेटेड प्लेसेस, आप लोगों को जितनी भी हाइट पर इसको पहुंचाना हो ना आप इजीली पहुंचा सकते हो, इसीलिए इसको बोला हाई एलिवेटेड प्लेसेस। डिसएडवांटेज में क्या होगा? इट्स कैपेसिटी इज लिमिटेड, 70 टन पर आवर, और एंड इट्स नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज कैपेसिटी स्टेशंस, मतलब लोअर लेवल वाले थर्मल पावर प्लांट है या मीडियम लेवल वाले थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वहाँ पर हम लोग बकेट एलिवेटर का इजीली यूज़ कर सकते हैं।
एंड द लास्ट वन इज डिसएडवांटेज में। डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द एलिवेटर इज लिमिटेड टू 30.5 मीटर। 30.5 मीटर बहुत बड़ी, वैसे देखा जाए तो कोई छोटी हाइट नहीं है। मैंने जो 50 फीट का एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर 30 मीटर आपका इजीली आ जाता, कवर हो जाता। तो ये एक लिमिटेशंस हो गई कि भाई 30.5 मीटर तक ही आप लोग बकेट एलिवेटर का यूज़ करो तो इट इज़ एफिशिएंट। बाकी इसके ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा हाइटेड आपका बॉयलर है तो फिर आप लोग बकेट एलिवेटर का यूज़ ना करके किसी और मेथड का यूज़ करो तो चलेगा। तो ये दो क्वेश्चंस थे जो कि हमारे चैप्टर का स्टार्टिंग है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।